दलित उत्पीड़न पीड़ित परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। बयाना क्षेत्र के गांव बेरखो निवासी एक कथित दलित उत्पीड़न पीड़ित परिवार ने आज पुलिस कोतवाली बयाना पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष उनके परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए दूसरे पक्ष के आरोपियों पर अब उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने व दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गौरतलब रहे बुधवार को गांव में आपसी कहासुनी के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के तीन जनों को चोट आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित दलित परिवार की ओर से पुलिस कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज भी कराया गया है। मेरा नाम साहब राम स्वरूप है साहब। अब बोलो। ऐसा हो कल साहब लखन को छोरा प्रताप आके नहीं और आके एकदम हम पे अटैक किया, झगड़ा किया और मारपीट करी। और अब हमने जब मारपीट में घायल हो गए तो पुलिस को हमने फोन किया, जब आए नहीं आने भी नहीं दे रहे और फिर बोल रहे यहाँ मार लो इन्हें। जब फिर हमने पुलिस प्रशासन को फोन किया, जब पुलिस लाकर हमने भरतपुर बयाने में हमने न्याय के नाम बयाना थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि इस रिपोर्ट को वापस ले लो, नहीं तुमको काट देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब आपने दोबारा रिपोर्ट दिया है? अब दोबारा रिपोर्ट दी है हमने। हमारे जान मान के लिए खतरा है, बच्चे पाबंद कर रखे हैं, कहीं नहीं जा रहे, खेती फसल नष्ट हो रहे, खेतों को बीवी बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे, स्कूल को पढ़ाई को बच्चों को नहीं जाने दे रहे।